वेलकम टू विब्स किचन। मैं हूं विभा और गणेश उत्सव के पावन अवसर पर आज हम मोदक बनाना सीखेंगे सुनीता आंटी से। चलिए बनाते हैं मोदक। मोटे चावल को धोकर एक कपड़े पर फैलाकर सुखा लें, फिर इस चावल को बारीक पिसवा लें। इस तरह से तैयार किए गए आटे से मोदक सॉफ्ट बनते हैं। मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, गुड़, कच्चा नारियल, देसी घी, नमक और पिसी हुई इलायची। कच्चे नारियल को इस तरह से बारीक कस लें। एक कड़ाही में कसा हुआ नारियल, गुड़ और बहुत ही थोड़ा सा देसी घी डालकर मध्यम आंच पर पकाएंगे। गुड़ और नारियल को तब तक पकाना है जब तक कि नारियल का पानी सूख ना जाए और वो थोड़ा सा सुनहरी लगने लगे। अब इसमें हम पिसी हुई इलायची डालेंगे और थोड़ा और पकाएंगे। अब हमारा गुड़ और नारियल का मिश्रण सुनहरी हो चुका है। इसको हम आंच पर से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक गहरे बर्तन में 2 ग्लास पानी डालेंगे, नमक मिलाएंगे और पानी को उबाल लेंगे। जब पानी उबल जाए तब उसमें चावल का आटा डालकर मिलाएंगे। पानी जो बाई चांस जो कम हुआ ना, एक साइड में थोड़ा बॉईल करके रखने का पानी, समझा? अभी नहीं, जरूर नहीं, अभी एक बताती हूँ तेरे को सर, तो अभी बाई चांस ही होता है तो बॉईल पानी ही डालना है। हाँ, बॉईल पानी, अभी भी थोड़ा गर्म पानी पे के बाद में आटा भून के लेने का अपने को हाथ से। अभी ये बस संभाल का करना मिलता है, यानी कि उसके अंदर वो गुठली नहीं आना, गांठ नहीं। गर्म पानी थोड़ा बना के हाथ से ठीक करके देना। चावल का आटा गूंदने के लिए पानी को थोड़ा गुनगुने से तेज गर्म करके रख लें। पकाए हुए चावल को ठंडा होने से पहले ही गूंद लें। एक बड़ी थाली में पकाया हुआ थोड़ा चावल का आटा निकालें और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते हुए गूंदें। चावल का आटा और पानी दोनों ही गर्म हैं, ध्यान से गूंदें। आटे को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक गूंदें। अब एक लोई तोड़कर हथेलियों के बीच घुमाकर गोल और नरम कर लें। लोई के बीच उंगली से दबाकर हल्का सा गड्ढा बनाएं और बहुत ही थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से पतली आटे की कटोरी बना लें। अब कटोरी में इस तरह से प्लेट्स डालें और आधा छोटा चम्मच के बराबर नारियल गुड़ का मिश्रण भरकर इस तरह से बंद कर लें।
मोदक बनाना बहुत ही आसान है। मैं भी यहाँ पहली बार ही बना रही हूँ। गहरे बर्तन में पानी उबाल लें और स्टील की छन्नी पर घी लगाकर बर्तन के ऊपर रखें। तैयार मोदक छन्नी पर रखकर भाप में 10 मिनट तक पकाएं। पहले 5 मिनट तेज आंच पर पकाएं, फिर आंच को धीमा कर लें और 5 मिनट तक भाप में पकाएं। लीजिए, गणपति बप्पा को प्रिय स्वादिष्ट मोदक तैयार हैं। इस रेसिपी को बनाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने विब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।